नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में 24 सितंबर से होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, ताकि राज्य में गांव की सरकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सके। इसके लिए एराई न्यूज पंचायत दर पंचायत सर्वे कर भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार भी दिखा रहा है, ताकि जनता को अपने नुमाइंदों को चुनने में आसानी हो। इसी क्रम में आज हम पहुंचे उचका गांव पंचायत, जहां से ब्रज यादव भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। ब्रज यादव अक्सर जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं। ब्रज यादव कहते हैं कि अगर उचका गांव पंचायत की जनता ने उन्हें मुखिया चुना तो वो उचका गांव पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, एराई न्यूज में स्वागत है आपका। आज गोपालगंज जिला प्रखंड कुचायकोट पंचायत उचका गांव पहुंचे हुए हैं। यहां पे भावी मुखिया प्रत्याशी यहां का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरे सामने यहां का भावी मुखिया प्रत्याशी मेरे सामने उपस्थित है, इनसे हम परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। हमारा नाम बिरिज यादव है जी। जी विनोद खरे हमारा घर है जी। जी दुबे खरे बाजार में भी हमारा निवास है जी। जी हम आपके पंचायत में चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? हमको चुनाव लड़ने का यही आदेश है कि मान लीजिए जी, हमारे पंचायत में कोई ऐसा काम जी जी समय से नहीं हुआ है जी। जी जो भी मुखिया रहे हुए हैं जी जी एक भी काम किसी जनता को नहीं हुआ है जी जी, और ना कोई काम समय से हुआ है जी जी। जनता हर एक आदमी को जिता देते हैं जी जी, उसके बाद दर दर ठोकर खाते हैं, लेकिन कोई काम समय से नहीं होता है जी जी। आप जाकर जनता से पूछकर भी जी जी आप इस आवाज को उठा सकते हैं जी जी। इसीलिए हम चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आप यहाँ पर बिजनेस व्यवसाय अपना कर रहे थे, गांव पर आए तो लोग बोले कि आपको चुनाव लड़ना है जी जी। चुनाव लड़कर सभी आदमी को जनता को काम करना है बढ़िया के तरह से, इसीलिए हम अपना चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। सभी जनता को सेवा करेंगे जी जी। हमारे तरफ से सभी जनता को हम माफी मांग रहे हैं कि हमारे साथ जो भी सही हो बुरा हो उसको आशीर्वाद देना है जी जी। और सभी साथ आदमी को साथ मिलजुल कर काम करेंगे जी जी। जो भी कमी होगा पंचायत में जी जी फंड से तो करवे करेंगे, अगर जहाँ भी किसी चीज का जरूरत पड़ेगा जी। हमारे पास उतना धरवान दिए हैं कि हर एक गरीब और हर एक जनता को हम अपना पास से भी काम कर सकते हैं, इसमें कहीं कमी नहीं है। आपने सेवा करने का काम शुरू से अंत तक करने का दावा कर रहे हैं जी, जी। अगर जनता आपके पंचायत में आपकी बात अगर आशीर्वाद देकर जिताने के काम करेगी तो किस तरह से जनता के प्रति आप देखने के काम करेंगे? देखिए, जनता सब हमारे हैं जी जी, छोटा या बड़ा जी जी, सभी लोग हमारे साथ दे रहे हैं, सभी लोग का साथ हम भी रहेंगे जी जी। जो भी हमको काम पंचायत में करना होगा जी, एक तो पहले लवर कीजिए, 5 साल में जी, कोई भी मुखिया रहा हुआ है जी, जी, ग्राम सभा कहीं नहीं लगा है, किसी जगह जाकर आप पता कर लीजिए जी, जी, जो भी हम काम करेंगे अगर जनता हमको आशीर्वाद देकर जिता रहे हैं तो एक एक आदमी को बुलाकर ग्राम सभा लगाएंगे और उस पर सब सभी आदमी से पूछेंगे जो चीज कमी होगा जी, उसको हम पूरा करने के लिए तैयार है और जनता के लिए साथ एकदम पैर में पैर मिलाकर चलेंगे हम। इसको हम अपने आपको साथ और यहाँ जनता जितना सुन रहे हैं उसे हमारा यही वादा है जी जी। यादव अपने पंचायत में कोरोना जैसे महामारी बीमारी में आपने शुरू से अंत तक अपने समाज सेवा करने का काम किए हैं, किस तरह के अपने पंचायतों को लोगों को सलाह देने का काम किए हैं? देखिए, जब कोरोना काल आया था तो यहीं पर थे हम, अपना मकान में काम लगाए थे जी जी। देखे कि जो अगर यहाँ पर जो भी मुखिया प्रत्याशी थे पहले या बाद में जी जी। कोई किसी गरीब को पूछने नहीं गया कि जे आप लोगों के पास क्या मजबूरी है, जो कि सरकार का भी फंड आया था, हम सुने थे कि सरकार पैसा दिया था सभी गरीब को मतलब व्यवस्था करने के लिए जी जी, राशन देने के। हाँ, लेकिन कोई आदमी पूछने नहीं गया, आप जाकर पंचायत में पता कर सकते हैं, हम एक एक घर पर जाकर हरेक गरीब को जो हमारे पास था उससे जाकर उन लोगों का सहयोग किए, उनसे हम राय सलाह लिए। यही बात को है कि आपको जो भी कमी होगा हमारे पास निर्भर का भेंट कर सकते हैं, आपको हम बराबर सेवा के लिए तैयार है। जब आपके आशीर्वाद देकर गरीब मजदूर और व्यक्ति आपको अगर आशीर्वाद देकर जिताने के काम करेंगे आपके पंचायत में,
तो अपनी आदर्श पंचायत की तरह से बेहतर बनाने का काम करेंगे। देखिए हमारा तो मतलब लक्ष्य है कि 3100 पंचायत में नंबर वन करेंगे हम। जिस तरह से कोई कोई मुखिया का नाम आता है पूरा बिहार में, उस तरह से हमारा लक्ष्य, हम तो पहले भी बोल दिया आपसे कि सरकार का जो फंड आएगा तो होगवे करेगा, लेकिन हमारा पास उतना अपना सक्षम है कि गरीबों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। गरीब और जो साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, उनको साथ हम 24 घंटा लगे रहेंगे। पीएम आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, नल जल योजना का आपके पंचायत में क्या स्थिति बना हुआ? हम तो बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, जाकर जनता से आप पूछ सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर जनता हमको जिता रहे हैं तो हम उनसे बगैर राय लिए हुए बोल रहे हैं कि ग्राम सभा लगाएंगे हरेक गाँव में, हरेक चौराहा पर। जो चीज हमारे पंचायत में आज तक नहीं हुआ है, जो भी काम करना होगा सभी जनता से पूछकर कदम में कदम मिलाकर तब हम चलेंगे। हमको ये नहीं है कि फंड का रुपया आएगा तो हम अपना मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये सब नहीं है। सब हमको भगवान दिया है, किसी चीज का हमारे पास कमी नहीं है। हमारा और भी व्यवसाय है, जो व्यवसाय से हमारा सब पूर्ति पूरा हो जा रहा है। जनता से आवाज लेना चाहेंगे, यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी की तरह से यहाँ का लोग आपकी बदलाव चाहते हैं अपने पंचायत में, मेरे सामने उपस्थित है, इनसे आप पर्चा लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अनवर आलम अंसारी है। जी जी। और हम अपने पंचायत के लोगों को यही एक संदेश देना चाहेंगे। जी जी। कि समय मिली सुतार ना मिली। जी जी। समय मिली सुतार ना मिली। जी जी। तिथि मिली त्योहार ना मिली। उचका गांव पंचायत में ढेर प्रत्याशी मिली है, लेकिन ब्रिज यादव के जैसा व्यवहार ना मिली। हमारे मुखिया प्रत्याशी जो है उतना सक्षम है कि जब नहीं प्रत्याशी थे तब भी, प्रत्याशी है तब भी, और जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी अपने पंचायत का विकास करते आए हैं, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग सब उनके साथ हैं और उनके सहयोग में लगे हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम केदार चौहान है। जी जी। इस पंचायत में हम दस वर्षों से पंच रहे हैं। जी जी। लेकिन ब्रिज यादव जी को हम लोग भी खड़ा किए हैं। जी जी। इसके पहले जो मुखिया थे वो बहुत गलत काम किए, हमारे पंचायत में कोई भी काम अच्छा तरह से नहीं किए हैं। इसके लिए हम लोग इसमें आपकी बात बदलाव चाहिए। बदलाव हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और अच्छा काम हो, पंचायत का विकास हो, यही हम लोग चाहते हैं। इसलिए हम लोग भारी मतों से। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे हम पंचायत जाना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। जितेंद्र कुमार दुबे। अपने भावी मुखिया प्रत्याशी को अपने पंचायत में किस तरह से देखना चाहिए? हमारे जो मुखिया प्रत्याशी है, लेकिन अभी जो भी हमारे गरीब, किसी का इलाज हुआ, किसी का कुछ भी, गाड़ी घोड़ा पैसा सब अपने पास है। जो एक बार कोई गया तुरंत पूछ कर जाते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी घोड़ा हर चीज से तैयार रहते हैं। अब इनको अगर वोट न दिया जाए, इनको अगर न लाया जाए, फिर दुर्भाग्य है ना। अच्छी बात है। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे हम पंचायत लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। संसुलान सारी। अभी भावी मुखिया प्रत्याशी आपके पंचायत में पूरे जोरों तोरों से ताकत लगाकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, अगर जीतेंगे तो गरीबों को किस तरह से सेवा करेंगे? सेवा तो पहले से तैयार है। जी जी। करेंगे भी। जी जी। किसी के कोई काम पड़ता है। जी जी। किसी का तबियत खराब होता है, उसमें मदद करते हैं, गाड़ी घोड़ा। क्या आपने इनको जिताएंगे? एकदम जिताएंगे। जी जी। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। परवेज आलम। परवेज आलम जी, अपने भावी मुखिया जी को किस तरह से देखना चाहेंगे आपकी बार पंचायत में? बहुत अच्छा से ये काम करते हैं, हम सबको, सबके लिए। जी जी। अभी प्रत्याशी मुखिया नहीं है, फिर भी काम करते हैं। जी जी। जो मुखिया हम लोग है, जी जी, अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए। जी जी। हमारे यहाँ बदलाव की जरूरत है। हाँ, बदलाव एकदम सब जरूरत है। जी जी। जाकर देख लीजिए, कहीं पर पाइप टूटा हुआ है, कहीं पर नली गायब है, कहीं पर अपने यहाँ पानी बह रहा है। क्या है ना, जीतेंगे तो पूरे सुविधा उपलब्ध, एकदम बिल्कुल सुविधा इनसे हम लोग को उम्मीद है। जी जी। पूरी पूरा सुविधा पूरा व्यवस्था हम लोग टाइट कर देंगे। जी जी। ठीक ना। मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इसे परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। नाथ कुमार राम पड़ेगा। जी जी। और उचका गांव पंचायत के लिए। जी जी। और बदलाव होना चाहिए, जो बहुत दिनों से मुखिया रहे हैं। जी जी। और कुछ नहीं हुआ है। जी। और इसे हम लोग सहयोग दे रहे हैं। जी जी। हम लोग उम्मीद है जी इस साल प्रत्याशी हो और बदलाव होना चाहिए।
अपनी भावी मुखिया प्रत्याशी को किस तरह से देखना चाहेंगे आपकी बात? अरे 10 साल में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ जी जी, विकास का तो नाम ही नहीं है जी जी, विकास किस चीज का नाम है जी जी, क्या आपके जो नल जल योजना जीतेंगे तो क्या? पहले हमारा सुन लीजिए, जो नल जल है वो ये लाइट सोलर लाइट लगा है उसका कहीं जलता है कहीं नहीं जलता है सारा कट कुट। अरे रोड नाली का स्थिति कैसा है आपके? बदतर है, से भी बदतर है, नाली तो है नहीं है, आपका निकलना नहीं है। अभी ये जो है अभी नहीं भी है तभी सबका सहयोग कर रहे हैं। अपना नाम बताएं। चंद्रकुमार राठौर। अपने भावी मुखिया जी को आपने जिताएंगे? जी भारी मत से जिताएंगे, जिताएंगे, काम करेंगे पंचायत में, पूरा भरोसा है जी जी, पूरा भरोसा है, हर एक दुख में साथ में रहते अपने भावी मुखिया प्रत्याशी को किस तरह से देखना चाहेंगे? हम तो ऐसा ही मुखिया चाहते हैं, सारे दिन से ऐसा ही मुखिया चाहते हैं, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। ये जी आप काम करेंगे? अब की बार वो पहले ही से कर रहे हैं, अभी नहीं है तो आप जीतेंगे तो अपने बल पे बूटे पर सब काम करेंगे। अपना नाम बताएं। अभी भावी मुखिया प्रत्याशी को किस तरह से आपने जिताएंगे? बहुत भारी उम्मत से जिताएंगे, ये एक हमारे लिए है, दूसरा तो कोई है नहीं। विकास भी कुछ हुआ तो उसी समय दह गया, फूट गया, टूट गया, उसके बाद ही आप आने तरफ से उसने बहुत मदद कर करके उसी तरह चला रहे हैं, इसलिए हम बुलाए हैं कि भाई नहीं है तो इतना कर रहे हैं, होंगे तो और ज़्यादा हमको विकास भी होगा। श्री संसारी अभी भावी मुखिया प्रत्याशी ब्रिज यादव जी, ये अपने पंचायत में आपने जिताएंगे इनको? भारी बहुमत से जिताएंगे जी जी, जीतेंगे तो जीते हुए जितना काम करते हैं जीतेंगे तो हमारा आदर्श पंचायत बनाएंगे। हमारे यहाँ 10 साल में कोई काम नहीं है, नल जल हुआ है, अभी पानी नहीं मिल रहा है जी जी जी। ये अपने जब जीतेंगे तो पूरे सुविधा लाएंगे? सारा सुविधा लाएंगे, हम लोग उम्मीद से इनको जिता रहे हैं, बिना जीते हुए सारा काम कर रहे हैं जी जी। ब्रिज यादव जी यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपने वोट देंगे उनको? जी जी काम कर रहा है जी जी, इसी उम्मीद पर जनता यहाँ की जो है तो प्रयास करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वह जीतेगा जी जी, पंचायत का कार्य कर रहा है जी जी। मेरे समय उपस्थित थे, अपना नाम बताएं। ब्रिज यादव जी मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, यहाँ वो जीतेंगे आप लोग का काम करेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार हम लोग मुखिया प्रत्याशी को बदल कर जी जी, और ब्रिज यादव बहुत बढ़िया आदमी है जी जी, हमारे गांव नगर की भाई भतीजा है और सबके साथ मिलकर चलते हैं जी जी, और हम लोग यही चाहते हैं कि ब्रिज यादव इस बार हम लोग भारी बहुमत से मुखिया बना जी जी।